हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं कंटिन्यू शॉर्ट बोन्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्ग बोन्स देखी थी। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लॉन्ग बोन्स, और आज की क्लास में हम कंप्लीट कर रहे हैं शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स आज की क्लास में पढ़ेंगे। रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर? कि आपको ये सेम लोगों के साथ हमारा ऑफिशियल फॉरेंसिक साइंस UGC नेट का ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से भी और ऐप स्टोर से भी। तो ये दोनों जगहों पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। ये ऐप यूजफुल है फॉरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए, जो कि UGC नेट एग्जाम देने वाले हैं और जो कि अभी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं। तो उनको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल बुक्स मिल जाएंगी, एंड जो एस्पिरेंट्स हैं, जो UGC नेट एस्पिरेंट्स हैं, NTA UGC नेट के एस्पिरेंट्स हैं, उनको यहाँ पे उनके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, PDF स्टडी कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स के स्टडी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप स्टोर पे विजिट करके अपने अकॉर्डिंग आप कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर पे आते हैं, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स क्या पढ़नी है हमने? हमने पहले पढ़ी थी लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स वो होते हैं, हमने पूरा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको कैटेगराइज करा था इन फोर डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला था लॉन्ग बोन्स, दूसरी थी शॉर्ट बोन्स, थर्ड था फ्लैट बोन्स, एंड देन था इरेगुलर बोन्स। तो चार तरीकों में आप क्लासिफाई कर सकते हो बोन्स को अकॉर्डिंग टू इट्स शेप एंड साइज। तो जो लॉन्ग बोन्स थी, जो लंबी बोन्स थी, वो हमने ऑलरेडी कर ली है। अब जो छोटी छोटी बोन्स हैं, जो शॉर्ट बोन्स हैं, वो हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है, शॉर्ट बोन्स आर दोज बोन्स जो कि छोटी बोन्स हैं। द पार्ट ऑफ द बोन इज प्रोजेक्टेड फॉर स्ट्रेंथ एंड यूनाइटेड विथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। तो इसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये प्रोजेक्टेड होती है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट बोन्स का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है और अपना एक इम्पॉर्टेंस होती है। इम्पॉर्टेंस उनकी ज़्यादा होती है, उनकी भी इम्पॉर्टेंस उतनी ही होती है जितनी लॉन्ग बोन्स की इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करते हैं और उनमें मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इट इज़ क्रिएटेड ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स, जो कि शॉर्ट बोन्स का एग्जाम्पल है, कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है, कार्पल्स बोन्स कौन सी है और टार्सल्स बोन्स कौन सी है। दीज कंटेन्स ओके कैंसिलियस टिश्यूज विच प्रोटेक्ट बाय अ थिन क्रस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सब्सटेंस। तो ये जो हमारी बोन्स होती हैं वो कैंसिलियस टिश्यू उनमें प्रेजेंट होता है, तो जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, उनका जो थिन क्रस्ट होता है और कॉम्पैक्ट सब्सटेंस होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। द पैटेला इज कम्पोज ऑफ एडिशनल सेसमोइड बोन। तो जो पैटेला होता है वो एडिशनल होता है, एडिशनल बोन होता है, जिसको हम कहते हैं सेसमोइड बोन। और पांचवी तरीके की बोन हम इसे कह सकते हैं, कि पहले तो आप कह लो लॉन्ग बोन्स, दूसरी हो गई शॉर्ट बोन्स, ठीक है, तीसरी हो गई फ्लैट बोन्स, फोर्थ कैटेगरी क्लासिफिकेशन हो गया इरेगुलर। अगर पांचवी कैटेगरी आपने बनानी है तो आप सेसमोइड बना सकते हो, सॉरी, तो आप सेसमोइड बोन फिफ्थ कैटेगरी की हो सकती है, बिकॉज ये एडिशनल बोन होती है। तो ये क्या कंटेन करते हैं? कैंसिलियस टिश्यू कंटेन करते हैं, जो कि थिन क्रस्ट कॉम्पैक्ट सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, ये जो टिश्यू होती है वो आपकी थिन क्रस्ट की कॉम्पैक्ट सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड रहती है। और जो एडिशनल बोन होती है वो होता है पटेला, ठीक है, जिसे आप सेसमोइड बोन भी कहते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्ट बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। तो जो ऊपर की तरफ की शॉर्ट बोन्स है वो पहले पढ़ेंगे, अपर लिम्स का जो शॉर्ट बोन्स है या अपर एरिया का जो शॉर्ट बोन्स है उसे हम पहले पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट बोन्स फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी। तो पहला जो अपर एक्सट्रीमिटी का जो पहला शॉर्ट बोन्स है वो होते हैं कार्पल्स, मैंने गलती से कह दिया, कार्पल्स की बात कर रहे हैं। तो कार्पल्स कहाँ पे हैं? ये जो बोन्स रह गई, ये बोन्स है आपकी कार्पल्स बोन, आपके अपर एक्सट्रीमिटी की बोन है कार्पल्स बोन्स, हाथ में ही रहती हैं। और ये कार्पल बोन्स कौन सी बोन्स हैं? द कार्पल बोन्स आर 8 इन नंबर। तो टोटल कितनी होती है? 8 इन नंबर कार्पल्स बोन्स होती है, 8 इन नंबर, एंड इट्स ऑर्गेनाइज इन 2 रोज। और कैसे ऑर्गेनाइज रहती है? दो रो में ऑर्गेनाइज रहती है, दोज ऑफ अ प्रॉक्सिमल रो
एक रो गई प्रॉक्सिमल रो बिगिनिंग फ्रॉम द रेडियल टू अल्नार साइड, तो जो रेडियल बोन और अल्नार बोन का साइड होता है वहां से बिगिन करती है, एंड दी टर्म्ड एज स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वाट्रम एंड पिसिफॉर्म। तो ऐसे आप इनको टर्मिनोलॉजीज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर जो डिस्टल रो हो गई, जो दूर वाली रो हो गई टर्मिनल रो में, तो आपने ये टर्म दे दिया, ठीक है। डिस्टल रो में ऐसे ही सिमिलर डायरेक्शन पे अरेंज रहती हैं कार्पल बोन्स, विच इज़ नोन एज ट्रैपिज्म, ट्रैपिजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। तो ये कार्पल्स बोन होती है, टोटल एक होती हैं, चार इधर जो कि डिस्टल एरिया पे रहती है और प्रॉक्सिमल एरिया पे रहती है। तो ये शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी की बोन्स हैं। ये कौन से बोन की? शॉर्ट बोन की कैटेगरीज की बोन्स हैं। नेक्स्ट शॉर्ट बोन्स की बात करें तो ये हो गए मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के बाद आ जाएंगे मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कहाँ हैं? इसके जस्ट बाद, ये जो उंगलियों पे रहती है ना जो छोटी छोटी बोन्स, वो होती है मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? मेटाकार्पल्स आर कन्फाइंड फाइव सिलेंड्रिकल शेप्ड बोन्स। तो पांच सिलेंड्रिकल शेप की बोन्स होती हैं आपकी उंगलियों में जो होती है, ठीक है। विच आर एडेड अप टू द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड पे एडेड रहती हैं। द बॉडी इज प्रिज्मॉइड अरेंजमेंट। तो जो बॉडी है वो प्रिज्मॉइड अरेंजमेंट पे रहती है एंड आर बेंड सो एज टू बी कर्व्ड इन लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक। तो आप इसमें मूवमेंट कर सकते हो, आप इसको, इसकी अरेंजमेंट आप बदल सकते हो, आप बेंड कर सकते हो, ठीक है। बिहाइंड एंड ग्लो शेप्ड इन फ्रंट, और उसके पीछे जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक रहता है बिहाइंड साइड पे, और जो फ्रंटल साइड है वहाँ पे बोल शेप्ड का आपको शेप मिलेगा बोन्स पे। इट हैज थ्री सर्फेसिस, तीन सर्फेसिस रहते हैं मेटाकार्पल्स के, मीडियल, लेटरल एंड डोर्सल। तो ये तीन एरियाज रहेंगे, तीन सर्फेस रहेंगे, फर्स्ट इज मीडियल, लिटरल एंड डॉर्सल। तो ये तीन तरीके की सर्फेसेज आपको मेटाकार्पल्स बोन में मिलेंगी। नेक्स्ट हो जाएंगी फैलेंजेस। फैलेंजेस कहाँ रहती है? इसके जस्ट बाद फैलेंजेस रहेंगी, इसके जस्ट बाद फैलेंजेस। ये हो गई आपकी फैलेंजेस। फैलेंजेस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? फैलेंजेस आर 14 इन काउंट। तो टोटल कितनी बोन्स होती है? टोटल 14 बोन्स रहती है, टोटल 14 फैलेंजेस आपके रहते हैं। थ्री फॉर ऑल फिंगर, तीन रहती हैं आपकी फिंगर्स में। टू फॉर द थंब, दो थंब में रहती है। इन ईच कंटेन्स अ बॉडी ऑफ टू बाउंड्रीज, और वो सारी की सारी जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं फैलेंजेस जो उंगलियों में रहती हैं, वो कंटेन करती हैं टू बाउंड्रीज। द बॉडी पॉइंट फ्रॉम ओवरहेड डिसेंडिंग इज कर्व्ड पोस्टीरियरली। तो जो बॉडी रहता है वो ओवरहेड डिसेंडिंग होता है, ये कर्व्ड रहता है, पोस्टीरियरली कर्व्ड रहता है। कॉनकेव इन फ्रॉम concave in front, it form the directly above descending. तो concave front की side पर concave रहेगा and descending रहता है from the above. एंड लेवल ऑफ साइड बाई साइड, और इसका लेवल कैसा रहता है? साइड टू साइड लेवल रहता है। इट्स एजेस आर इरेगुलर, इसके एजेस इरेगुलर रहते हैं, विच गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द फाइब्रस कवर्स ऑफ द फ्लेक्सोर टेंडन्स, जो कि उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। तो फैलेंजेस कितने होते हैं? नंबर में 14 बोन्स होते हैं जो कि फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। फैलेंजेस हो गए, मेटाकार्पल्स हो गए और कार्पल्स हो गए। ऐसे ही टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और पैरों में भी फैलेंजेस होते हैं। तो पैर के बोन्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट बोन्स किसके? पैरों के शॉर्ट बोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टार्सल्स क्या है? टार्सल्स बोन्स आर 7 इन नंबर। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं नंबर में। टार्सल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पैरों में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके टार्सल्स बोन है, यहाँ पे आपके टार्सल है। एंड देन इसके बाद आ जाएंगे मेटाटार्सल्स, और जो उंगलियों के बोन्स रहती हैं वो होती हैं फैलेंजेस। तो टार्सल्स पहले देखते हैं। टार्सल्स कितने होते हैं? 7 इन नंबर, और ये उन बोन्स के नेम है, ठीक है। तो ये आपके टार्सल्स हो गए जो कि पैरों में या लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रेजेंट होते हैं। मेटाटार्सल्स की बात करें तो मेटाटार्सल्स कंसिस्ट 5 बोन्स। अगेन 5 बोन्स होती हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम द मीडियल साइड। द बॉडी इज प्रिज्मॉइड इन फॉर्म एंड पॉइंट्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम फॉर्म्स द टार्सल्स टू द फैलेंजल एक्सट्रीमिटी। तो ये उसका अरेंजमेंट, जो मेटाटार्सल का अरेंजमेंट है, ये सारे सेंटेंसेस मेटाटार्सल्स के अरेंजमेंट आपको बता रहे हैं। एंड इज बेंड लॉन्गिट्यूडिनली सो एज टू बी कर्व्ड बिलो, सेम लाइक आपके अपर एक्सट्रीमिटी का। एंड ये थोड़ा सा स्लाइटली कॉन्वेक्स होते हैं ऊपर की साइड से।
ठीक है, फैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो फैलेंजेस हैं, द फैलेंजेस ऑफ द फूट रिजेंबल्स इन डिजिट एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो पैरों की उंगलियों में जो बोन्स है छोटी छोटी वो फैलेंजेस होती हैं, देयर आर टू इन ग्रेट टो, दो रहते हैं आपके टो में एंड थ्री इन ईच ऑफ द अदर टोज, तो बाकी के अदर टोज में तीन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया बोन्स का, तो ये तो हो गई आपकी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स ठीक है, तो शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती हैं, अपर एक्सट्रीमिटी की कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, लोअर एक्सट्रीमिटी की टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्लैट बोन्स करेंगे, फ्लैट बोन्स के बाद हम इररेगुलर बोन्स करेंगे, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स एंड इररेगुलर बोन्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा शॉर्ट बोन्स से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर यू नो डाउट्स, ताकि वो हम डिस्कस कर लें। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स देयर, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये लाइक कर सकते हैं, आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लैट बोन्स, ठीक है। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।